चुनावी समर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को पीएम पर बयानबाजी भारी पड़ गई है। भेल को लेकर पीएम मोदी पर दिए गए बयान के चलते चुनाव आयोग ने उनसे 16 नवंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है। क्या कुछ है पूरी वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। तम के गढ़ में सिंधिया पर प्रहार, दतिया में प्रियंका गांधी का वार, अंतिम दिन जनता पर क्या प्रभाव। दतिया में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने एक मंच से कई सियासी निशाने साधने की कोशिश की। सबसे ज्यादा चर्चा सिंधिया पर दिए उनके बयान की हो रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये इलाका ग्वालियर चंबल का हिस्सा माना जाता है। भले ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ सिंधिया घराने का भी प्रभाव है। इनके जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता है। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। प्रियंका के बयान के मायने समझे जा सकते हैं। वो कांग्रेस सरकार के गिरने के पीछे सिंधिया और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जब कमलनाथ की सरकार थी तब सिंधिया भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ हो गए। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है,